हेलो गाइस, दिस इज अर्नी एंड वेलकम टू टर्बो एक्सट्रीम। तो आज मैं एक जर्नी दिखाने वाला हूँ, जर्नी ऑफ मेकिंग वायरल। तो अपनी ये बाइक कैसे बनी, क्या प्रोसेस हुआ, कैसे हुआ, वो सब दिखाता हूँ। गाइज, ये पूरी जर्नी 17 वीडियो की थी, मतलब 17 वीडियोस बने, अनलिमिटेड डेज, मतलब मुझे दिन तो याद ही नहीं है कितने दिन लगे मेरे को। शायद मैं कंप्लीट ये बाइक बनाने में, जो अपनी अभी वायरल बनी हुई है, इसको बनाने में ऑलमोस्ट मुझे यहाँ तक याद है शायद 3 महीने से भी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो 3 महीने का टाइम जो भी लगा, वो प्रोसेस बहुत लंबा था, प्रोसेस और हार्डवर्क बहुत ज़्यादा हुआ। तो स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो से कि पहले वीडियो में क्या हुआ था। वीडियो का कंप्लीट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको पूरा वीडियो देखना हो तो आप वहां से देख सकते हो। एंड छोटे छोटे पार्ट्स इस वीडियो में देख लो कि कैसे हुआ और क्या हुआ। तो स्टार्ट करते हैं पहले से। तो बाइक पूरी खुल चुकी है और खुलने के बाद कुछ ऐसी नज़र आती है बाइक, देख लो। इस कंडीशन में हायाबुसा शायद ही बहुत कंफर्टेबली कभी कहीं नज़र आएगी। तो पहले पार्ट में कंप्लीट बाइक मैंने खोली, मैं खुद ही करता हूँ अपनी बाइक का सारा काम। तो बाइक पूरी खुली, पूरी खुलने के बाद वर्कशॉप गई एंड वर्कशॉप पे पेंट स्टार्ट हो गया। तो पेंट का वीडियो था सेकेंड, एंड सेकेंड वीडियो का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर कंप्लीट वीडियो देखना हो तो, जहाँ पे हमने बाइक के पूरे पार्ट्स पेंट किए, उनको रेड कराया। तो रेड कलर जो मैंने मंगवाया था, वो मंगाया था मैंने इटली से, फरारी का ओरिजिनल कलर है, जिसको आने में 1.5 महीना लगा था। तो 1.5 महीने तक बाइक एक्सीडेंट के बाद ऑलमोस्ट घर पर ही खड़ी रही, और खड़े होने के बाद उसके अंदर बहुत सारे और इश्यूज़ आ गए, वो इश्यूज़ की बात करते हैं। एनीवेज, टू स्टार्ट विद पेंट, तो पेंट कैसे हुआ, प्रोसेस कैसे हुआ, वो देखा। तो बाइक के पेंट का प्रोसेस काफ़ी लंबा था, मैंने जो दिखाया है वो सिर्फ एक दिन का प्रोसेस दिखाया है पेंट होने का। बाइक का पहले जो ब्लैक कलर था उसको हमने क्लीन करा, क्लीन करके फिर ऊपर एक लेयर ऑफ कोटिंग होती है वो हुई, देन उसके बाद पेंट हुआ, पेंट के बाद देन उसके ऊपर जो मैंने शिमर कराया हुआ है बाइक के ऊपर, जैसे स्पार्कल कहते हैं, स्पार्कल हुआ, उसके बाद स्पार्कल पर्ल भी कहते हैं उसको, पर्ल हुआ। तो उसके बाद फिर उसके ऊपर क्लियर कोटिंग हुई, क्लियर कोटिंग के बाद उसके ऊपर एक कोट हम और करते हैं, वो हुआ। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस था। फिर आई बाइक की सफाई की बारी, क्योंकि बाइक जब मैंने पूरा फिनिंग उतारा तो बॉडी से पूरी ढकी हुई होती है बाइक, एंड अंदर से बहुत बुरी हालत में थी हायाबुसा। तो अपनी वायरल की बहुत बुरी हालत थी, वायरल को फिर जो मैंने सफाई की, सफाई करने में ऑलमोस्ट मुझे पूरा 1 दिन लगा, प्रोसेस बहुत लंबा था। तो वो प्रोसेस के कुछ शॉट्स देख लो, बहुत ही खतरनाक गंदी हो रही है। तो इसको वॉश बाद में कराएंगे, पहले मैं मेजर डस्टिंग कर लेता हूँ, इसकी क्लीनिंग कर लेता हूँ इंटरनल वाली, उसके बाद फिर इसको एक बार स्टीम वॉश पूरा करवा के लाएंगे, ताकि पूरी क्लीन हो जाए। देखो कितनी गंदी हो रही है।
दो ढाई घंटे हो गए हैं, ऑलमोस्ट बाइक काफ़ी हद तक क्लीन हो चुकी है। ये देख लो यहाँ से पूरी ये मैंने क्लीन कर दी है, बहुत ही गंदी हो रही थी, बहुत ही अनटाइडी हो रही थी। यहाँ से नीचे से पूरा क्लीन हो गया है, एलॉय पूरा काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है, यहाँ से भी बाइक पूरी क्लीन है। ये इंजन पार्ट्स कम्प्लीटली क्लीन हो चुके हैं, ये एयर इंटेक्स पूरे क्लीन कर दिए हैं मैंने। यहाँ से अभी ये मैं ठीक कर रहा था, मतलब लाइक क्लीन कर रहा था, ये कम्प्लीटली क्लीन हो गया है। ये देखो यहाँ से ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है, एंड अब ये वाले पार्ट भी हो गए साफ। ऊपर का भी मैंने काफ़ी हद तक क्लीन कर दिया है, अब अंदर अंदर छोटे 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 में तो उंगलियाँ पहुँचती नहीं है। तो क्लीनिंग का प्रोसेस बहुत ही पेनफुल था, ऑलमोस्ट मेरी उंगलियां दो तीन जगह से छिल गई थी, बहुत सारा मटेरियल लगा, जैसे डी ग्रीजर जो बेसिकली आते हैं, डी ग्रीजर्स मेरे को यूज़ करने पड़े बाइक को क्लीन करने के लिए प्रॉपरली, एंड इतना क्लीन कर दिया मैंने कि वो बिल्कुल वैसी कंडीशन में आ गई जैसे कंपनी से आती है। मतलब उसको एक 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 कोना टूथ ब्रश से बकायदा रगड़ के मैंने साफ किया था उसको, तो बहुत टाइम लगा और बहुत थक भी गया था मेरा। इवन ये हाथ यहाँ से जब टूथब्रश पकड़ते हैं तो ये भी दर्द होने लग गए थे। एनीवेज उसके बाद प्रोसेस आया बाइक का पेंट होके जब बॉडी किट पूरा घर पे आ गया, वो वाला प्रोसेस। बाइक फिट करने में भी अगेन मुझे काफी टाइम लगा, वीडियो देख लेना पूरा अगर वीडियो देखना हो तो। उसके बाद आया गियर्स का टाइम कि गियर्स पे मैंने क्या किया, तो गियर्स भी मेरे एज यूजुअल सारे वो ग्रीन एंड ब्लैक कलर में थे जैसी बाइक थी, तो गियर्स भी मुझे या तो पूरे नए खरीदने थे या फिर उनका कुछ करना था। तो नया खरीदने का डिसीजन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हर चीज बहुत महंगी थी, तो गियर्स के प्राइस का एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, एक पूरा प्रॉपर गियर्स पे भी बनाने वाला हूँ वीडियो, जल्दी आ जाएगा। एनीवेज उसके बाद आया गियर्स का पेंट का टाइम, तो हमने डिसाइड किया कि गियर्स को भी पूरा पेंट करके सेम बाइक से मैच कर देते हैं, और वो डिसीजन बहुत ही अच्छा था। तो अब देखो कि गियर्स का मैंने क्या किया और कैसे मैच हुए, उसका प्रोसेस देख लो। गियर्स फिर जब पार्ट्स सारे घर पे आ गए पेंट होने के बाद, तो मैंने पूरी फिटिंग की, वो फिटिंग का कंप्लीट प्रोसेस मैंने दिखाया। उसके बाद आया टाइम बाइक पे 9H सिरेमिक कोटिंग का, क्योंकि कोटिंग मैं कराना चाहता था, मैं चाहता था कि मेरी बाइक बिल्कुल शाइन करे, शाइन लाइक मतलब एक बहुत प्रीमियम जैसे कार्स और बाइक्स आती है बिल्कुल वैसे शाइन करे, तो और शाइन करती भी है वो, आप लोगों को पता है, जो नए हैं उन लोगों को नहीं पता होगा तो आप थोड़े और वीडियोज देख लेना पता लग जाएगा, बट जो पुराने हैं उन सबको पता है कि अपनी वायर शाइन कैसी करती है। सिरेमिक कोटिंग के बाद जो कलर में जान आई, बाप रे, वो देखने लायक था। एक तो पूरी बाइक पे कोई भी स्टिकर नहीं था, और पूरी इतनी बड़ी बॉडी किट पे पूरा रेड कलर वो अलग सा ही दिख रहा था, और इतना चमकता हुआ, बाय गॉड, सीरियसली बता रहा हूँ, हम देखते ही रह गए उसको, मतलब अलग ही दिख रही थी कुछ वो। उसके बाद फिर जो प्रोसेस आया वो आया टेल लाइट का, तो टेल लाइट जब इसकी आई वो LED टेल लाइट थी और स्पेशल थी। अगेन वीडियो का लिंक आ गया अगर पूरा देखना हो प्रोसेस तो, या टेल लाइट प्रॉपरली देखनी हो तो। बट टेल लाइट भी अगेन मैंने पूरा वापस से पीछे का टेल इसका खोला, टेल लाइट लगाई और पूरा पैक किया। ये बहुत ही स्पेशल लाइट है, LED टेल लैंप है ये विद इंडिकेटर्स, तो इसमें इंडिकेटर भी जलेंगे और टेल लैंप भी है और LED भी है, तो
तो ये अभी पीछे की टेल मैंने खोल दी है, ये पुरानी वाली लाइट है जो मैंने खोल दी है और ये नई वाली लाइट है। भाई टेल लाइट लगने के बाद बाइक का जो शक्ल चेंज हुई, माय गॉड, पीछे से वो और ज्यादा ब्यूटीफुल लगने लग गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि टेल लाइट लगाने के बाद शायद अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि टेल लाइट वॉज स्मोक कलर, ऑलरेडी वो ट्रांसपेरेंट स्मोक थी, बट वो लगाने के बाद जो बाइक का लुक आया दैट वॉज अल्टीमेट। पूरा वीडियो देखना देख लेना, बाकी आपने देख ही लिया। एनीवेज, अब वर्कशॉप पे बाइक खड़ी रही काफी दिन ड्यू टू बैटरी, मुझे बैटरी नहीं मिल रही थी तो वर्कशॉप पे ही खड़ी हुई थी बाइक। तो एक दिन ऐसे ही दिमाग में बात आई कि चलो 9H सिरेमिक कोटिंग को टेस्ट कर लेते हैं कि उसकी हार्डनेस कैसी है। तो ट्राई कैसे किया वो प्रोसेस देखो। ऊपर 9H सिरेमिक कोटिंग हो चुकी है, चार लेयर, तो इसके ऊपर हम आग लगाएंगे यहाँ पे और लेट्स चेक इट क्या होता है। माय गॉड, आग लगा दी हमने। तो भाई वो जो एक्सपीरियंस था ना, वो ऐसा था कि बस मैंने कैसे मेरे दिल को थाम के मैंने वो करवा लिया, बट कुछ नहीं हुआ सीरियसली, पेंट को इतना सा भी कुछ नहीं हुआ, लिटरली लाइव आग लगाई थी हमने। तो उसके बाद टाइम आया टैंक पैड, ट्रैक्शन पैड और फ्रेम स्लाइडर्स लगाने का। तो फ्रेम स्लाइडर्स कैसे लगाए वो देख लो। तो ट्रैक्शन पैड, टैंक पैड और जैसे ही हमने फ्रेम स्लाइडर्स लगाए तो बाइक थोड़ी सी भरनी चालू हुई, क्योंकि पहले बहुत ब्लैंक लग रही थी, ब्लैंक मतलब पूरा कलर कलर नजर आ रहा था। वो लगाने के बाद जो बाइक का लुक आया तो पता लगा कि ओके अब टाइम आ गया है स्टिकरिंग करवाने का। तो नेक्स्ट प्रोसेस मैं इसको लेके गया सोना ऑटोग्राफिक्स स्टिकरिंग के लिए। तो स्टिकरिंग का जो प्लान था वो यही था कि 2019 मॉडल जो है हायाबुसा भी आ रही है वो कराएंगे। स्टिकरिंग लगाने के बाद जो बाइक का लुक आया, ओ माय गॉड, भाई वहां पे जितने भी लोग खड़े थे ना दंग रह गए और इतनी तारीफ की मुझे ऐसा लग रहा था कि बाइक को नजर लग गई। तो फिर आया इसका वाइजर, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपने रेड क्यों करा दिया। तो वाइजर मेरा बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, वो मतलब एक्चुअली बेकार ही हो गया था, मुझे शायद फैक्ट नहीं पड़ता। तो मेरे को लगा चलो इतना सामान पेंट हो रहा है, वाइजर भी पेंट करा देते हैं। तो वाइजर को मैंने पेंट कराया रेड, सेम जो बाइक का कलर था। और फिर मेरे को लगा कि बहुत सारे लोग पिंग कर रहे थे कि नहीं आप ब्लैक वाइजर लगाओ, तो मैंने ब्लैक वाइजर लगाया, उसका वीडियो बनाया मैंने, बट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ब्लैक लगाने के बाद। इवन वहाँ पे 5-7-8-10 जने और भी खड़े थे जिनको मैंने दिखाया नहीं वीडियो में, क्योंकि मैं उनको पब्लिक नहीं करना चाहता था। उन सब ने कह दिया कि नहीं रेड भी अच्छा लग रहा है, तो रेड वापस लगा दिया। तो वो वीडियो के भी कुछ शॉट्स देख लो। ये निकल गई है इसकी विंडस्क्रीन रेड और मैं लगा रहा हूँ अब ब्लैक। तो ये रही इसकी ब्लैक स्क्रीन और ये मैं लगा रहा हूँ। इसको हम थोड़ा बाद में कसेंगे, रुक के। फाइनली ये रेड वापस लगा दिया है क्योंकि मुझे ब्लैक लगा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो भाई वाइजर रहेगा रेड अभी तो फिलहाल, उसके बारे में कुछ सोचेंगे बाद में जो भी दिमाग में आएगा। इसको लेके कमेंट्स मत करना, वाइजर को लेके पहले ही बहुत कमेंट्स आ चुके। फिर आया ब्रेक पैड का नंबर। तो ब्रेक पैड पूरा कंप्लीट मैंने इसके अंदर सेट लगाया एंड
ब्रेक पैड लगाने के बाद जो ब्रेकिंग में इसके फर्क आया वो बहुत ही डिफरेंट फर्क था, क्योंकि मैंने ब्रेक पैड यूज किए ईबीसी के, तो स्पॉन्सर नहीं है ईबीसी इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली में अच्छे ब्रेक पैड है। ओरिजिनल अगर कंपनी से लेता तो आते 4400 के, ईबीसी के आए 3300 के, तो 1000 रुपए बचे भी और ब्रेकिंग भी बेटर होगी। ब्रेक पैड लगने के बाद एक प्रोसेस रह गया था, वो था सर्विस, बाइक की पूरी सर्विस। तो गाइस दिस इज द टूल जिससे ऑयल फिल्टर खुलता है, ये टूल मेरे पास नहीं था और इसीलिए मैं इसकी सर्विस खुद नहीं कर पाया, तो फाइनली मैंने फिर सरन भैया को बुला लिया और अब वो करेंगे, अब वो आ गए हैं तो वही करेंगे बिकॉज ही इज एक्सपर्ट। सर्विस कराना मेरा डिसीजन बिल्कुल सही रहा, क्योंकि बाइक के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें टेक्निकली जब हमने देखी तो गड़बड़ थी, जैसे कूलेंट के लेवल में हल्की सी गड़बड़ थी, ऑल्दो डला नहीं वो, बट मुझे ऐसा लग रहा था देखने से गड़बड़ है। तो उसके बाद फिर आए जो मैंने सामान मंगाए हुए थे, इसकी एसेसरीज मंगाई हुई थी अली एक्सप्रेस से, वो ऑलरेडी वीडियो डला हुआ है देख लेना कि जो जो बाइक में मेरी एसेसरीज लगी हुई हैं, बहुत सस्ती थी वो एसेसरीज, वो फिटिंग कैसे हुई उसका प्रोसेस देख लेना। एसेसरीज आप लोगों को भी बहुत पसंद आई और बाइक पे लगाने के बाद भी बहुत अच्छी लगी। अब टाइम आ गया टायर्स का, क्योंकि टायर्स मैंने बहुत टाइम से ऑर्डर किए हुए थे, टायर ही नहीं मिल रहे थे मुझे, मतलब बहुत हैरानी की बात थी कि मुझे मिशलिन के टायर चाहिए थे और मिशलिन मिल ही नहीं रहे थे। तो मिशलिन में रोड पायलट 4 एक्चुअली बहुत अच्छा टायर है, रोड पायलट 4 कहीं पर भी स्टॉक में नहीं था और रोड पायलट 5 लॉन्च नहीं हुआ था, इवन मेरे ख्याल से अभी भी नहीं हुआ है, एज फार एज आई नो अभी तक भी नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि रोड पायलट 5 के लिए वेट कर लो, बट वेट इतना लंबा हो गया उसके बाद भी नहीं हो रहा। फाइनली मैंने कहा भाई रोड पायलट 4 ही दिलवा दो, कहीं से भी दिलवाओ। तो मेरे टायर आए चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ के एक डीलर के पास पड़े हुए थे, वहाँ से आए, मिशलिन वालों ने बड़ी हेल्प की मेरी, थैंक यू मिशलिन फॉर दैट, कि उन्होंने मुझे ढूंढ के दिए टायर्स। तो टायर्स आए एंड टायर्स का प्रोसेस स्टार्ट किया हमने विद एलॉय पेंट। तो एलॉय पेंट मैंने पहले इसलिए नहीं कराया था कि मैं बार बार बाइक को नहीं खोलना चाहता था एक ही काम के लिए। तो उसके बाद पूरी बाइक के हमने एलॉय खोले, टायर खोले एंड एलॉय पेंट भी हुए, टायर भी चेंज हुए, उसका प्रोसेस देख। अब टाइम आया टायर स्टिकर्स का, तो मेरी जो मर्सिडीज है उसमें मैंने स्टिकर्स लगवाए थे AMG के एंड दे वर लुकिंग अमेजिंग। तो वहाँ से आइडिया आया कि बाइक पे भी टायर स्टिकर लगाते हैं एंड टायर स्टिकर अच्छे लगेंगे। तो फिर मैंने टायर स्टिकर प्लान किए और टायर स्टिकर्स पे मैंने लिखवाया टर्बो एक्सट्रीम एक साइड पे टायर के, मतलब ये टायर है तो एक साइड पे टर्बो एक्सट्रीम और नीचे मैंने लिखवाया यूट्यूब लिखवाया रेड कलर से, टर्बो एक्सट्रीम वाइट कलर से, उसका प्रोसेस देख लूंगा। तो टायर स्टिकर लगने के बाद तो भाई बाइक जो एकदम ऐसे कहते हैं ना उठ के आती है, मतलब एक छोटी छोटी चीजें इतना मैटर करती है ना, वो जो दिखने में अल्टीमेट लगी ना बाइक, उसके बाद तो सही में मतलब मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि मैं ही कहीं से कुछ काला लाके इसके ऊपर लगा दूं कि नजर न लग जाए या नजर उतवा दूं इसकी। तो बाइक बहुत प्यारी लग रही थी, आप लोगों का भी बहुत प्यार मिला उस वीडियो में, आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया बाइक को। एंड देन फिर लास्ट में एग्जॉस्ट का कुछ सामान मैंने और मंगाया हुआ था वो आया, तो हीट प्रोटेक्शन गार्ड्स आए, वो कैसे लगवाए या वो कैसे लगे उसका प्रोसेस। सो गाइज ये है हीट प्रोटेक्शन एग्जॉस्ट के लिए, इसलिए सो दैट किसी का भी यहाँ पे पैर लगे तो जले नहीं। तो अब हम इसको फिक्स करेंगे यहाँ पे, बस विल हैव टू मेक श्योर कि ये स्टैंड से टच ना हो और ये खराब ना हो जाए। तो इसको फिक्स करते हैं।
हीट प्रोटेक्शन गार्ड में मेरी हेल्प की निक्स ने, शी द सुपर बाइकर, उनको फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, स्क्रीन पे लिंक आ गया होगा, इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो कर लो, सुपर बाइक्स चलाती हैं वो, बहुत अच्छी बाइकिंग करती हैं, ऊपर एक कार्ड भी आ गया होगा, आप उनका एक वीडियो था जिस, मतलब मेरा एक वीडियो था जिसमें वो हायाबूसा भी चला रही थी, अपनी वायरल भी चला रही थी और बहुत तेज चला रही थी, तो वो वाला वीडियो भी देख लेना अगर देखना हो तो। तो गाइज होप आपको ये जर्नी पसंद आई हो, 17 वीडियोस, ऑलमोस्ट 3 महीने लग गए मुझे ये सब करने में, तो 3 महीने का प्रोसेस नहीं था, बट मैं बिजी बहुत रहता हूँ, बीच बीच में मुझे टाइम नहीं मिला, बीच में काफ़ी दिन एक 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 चीज़ के लिए अटक गई बाइक, कुछ एक सामान नहीं मिले कई बार, तो बहुत बहुत लंबी स्टोरी थी, बहुत लंबी जर्नी थी। तो वीडियोस डिटेल में देखने हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं सारे वीडियो के, आप कोई भी वीडियो जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे वो देख सकते हो, आप पूरे देखना चाहो तो एक 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 करके डिस्क्रिप्शन से वीडियो उठा के वैसे भी देख सकते हो। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइज।